किसानों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग भी आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें कि बड़ौदा के कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल करनाल पहुंचे। यहां पर वह पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी व जनता विरोधी सरकार है, जो काले कानून पास कर किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें किसानों के समर्थन में इस्तीफा भी देना पड़ा तो वह तैयार है। कृषि कानून के विरोध में जहां कई राज्यों के किसान सिंधु बॉर्डर समेत दिल्ली के बुराड़ी मैदान पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक पार्टियां भी सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। बताते चले कि बड़ौदा विधायक ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार की नीतियां किसानों को बर्बाद करने वाली हैं। हर सूरत में किसानों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि कानून काला कानून है, इससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। योगेश्वर दत्त को साथ लेके आओ, आपके काम होंगे, दूसरे आप प्रतिनिधि हो, तो किस तरह से देखते हो उस बात? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से खुद मिला था, तो उन्होंने कहा अगर भाई जो भी आपके काम है, पहले तो उनका बयान आया, अगर बालू मेरे पास आएगा तो मैं काम करूँगा। मैं उनके पास गया, मेरे जो नेता हैं भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने कहा भाई आप मिलो, तो मैंने गया उनसे मिला, तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे को आश्वासन दिया है कि आपके जो मैं काम उठ के आऊँ, यूनिवर्सिटी की बात है, राइस मिल की बात है, IMT की बात है, दो दो लड़के गर्ल्स कॉलेज की बात है, तो उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि मैं आपके काम करूँगा। और उनके सामने मैंने एक मांग रखी, मेरे पूरा हल्का बड़ौदा में बहुत से गाँव ऐसे हैं जिनमें जल भरा होता है खेत में, माँ जी आप उन पर भी ध्यान दें। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप, मैं उनका एक वो प्रोजेक्ट बनवाऊंगा और वो भी मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद भी रखता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको पूरा करें। मैंने तो बोला है अगर आप पूरा करोगे तो हम आपका दो कदम आगे रख के स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे। वो देखते हैं क्या होगा, अभी तो बोला जी कहते हैं कि हम जो है ना सभी हलकों में समान विकास करेंगे, अगर आप उनके पास ना जाते तब पोजीशन क्या? नहीं, कहाँ समान विकास करेंगे, हम पीछे की बात जाएंगे। पूरा बड़ौदा हल्का 10 साल का राज रहा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, और जो एक विकास की गति दी थी, चाहे आप गलियों की बात करो, चाहे रोडों की बात करो, चाहे पेयजल की बात करो, चाहे नहरों की बात करो, एक विकास की रफ्तार थी जो इनकी 6 साल की सरकार थी, 5 साल मनोहर लाल खट्टर जी रहे और 1 साल मनोहर लाल खट्टर जी ज्वाइंट JJP, 6 साल हो गई। इन्होंने कभी भी 6 साल में एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। अगर किया हो तो मेरे को बता सकते हैं, अगर हमने एक स्कूल में कमरा बनवाया, कमरा में किसी ईंट भी लगवाई हो, ये तो देखो अब क्या होगा। पहले ऐसा कुछ नहीं, सरकार की मंशा पर अभी भी आपको शक है कि बड़ौदा का विकास नहीं होगा? देखिए, इस तरह से आप अभी शक की बात नहीं करूँगा, अभी मैं विधायक चुना हूँ, मैं मनोहर लाल जी से मिला हूँ, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है, अभी देखते हैं क्या होगा। 6 महीने का तो इंतज़ार करना चाहिए, मैंने भी करना चाहिए, वो कितना काम करते या ना करते। जहाँ BJP के MLA नहीं है वहाँ विकास का किस तरह से, जैसे वो अपने प्रतिनिधि को बोलते हैं या हारे हुए हैं या जो उनके मुख्य कार्यकर्ता हैं कि आप आओ सामने, तो क्या वहाँ जो MLA हैं BJP का से अलग उनके भी काम नहीं होंगे? नहीं, मैं तो, आप तो विपक्ष के MLA की बात कर रहे हो, मैं आपने भी पता है पूरा हरियाणा प्रदेश में कौन सा काम हुआ है, कोई इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई PGI बनाया हो, कोई भी गैर BJP MLA की चलेगी या वहाँ उस कार्यकर्ता की चलेगी, इस तरह की कोई बात नहीं, ऐसी जो बात होगी देखते हैं समय आएगा जब बताएंगे। जो किसान आंदोलन है उसको क्या देखते हैं कि आप जो सत्ताधारी दल है भाजपा, क्या वो देर कर रही है किसानों से बात करने के लिए? बहुत क्या समझ देर, मैं तो देर नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा आँख बंद करे बैठी है, उन्होंने आँख खोलनी चाहिए। किसान जो इस प्रदेश का, देश का जो किसान है वो अन्नदाता है, हमारा आपका सबका पेट भरता है, और उनके सब जो 3 जो है अध्यादेश कानून बना, ये काला कानून है, और वो बार बार कह रहे हैं कि MSP पर खरीदेंगे, फिर इसमें क्या दिक्कत है? आप एक और कानून ले आओ जो MSP से कम खरीदेगा, उस पर आप जुर्माने का प्रावधान करो और एक सजा का, वो क्यों नहीं करे?
वो करना चाहिए उन्होंने, ये काला कानून है किसान को मारने का। किसान ने तो यहाँ तक कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये मतलब सुधार शामिल थे कृषि के, क्या आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस भी चाहती थी कि इस तरह के मतलब अध्यादेश लाए जाएं? नहीं, अध्यादेश का हम कह रहे हैं ना, अध्यादेश ठीक है, आप ये तो कानून बनाओ। उसमें कांग्रेस ने ये थोड़ा कहा था आप MSP लागू नहीं करेंगे, हम अगर इसको जो MSP से बाहर जो खरीदेगा उस पर सजा का प्रावधान नहीं है, वो तो सब था उसमें। हम तो आज भी बोल रहे हैं अगर हमारी सत्ता जब भी आएगी, अगर यही कानून रहा तो हम इसको कैंसिल करने का काम करेंगे। आज करनाल में पहुंचने का कोई विशेष कारण? कुछ नहीं, चंडीगढ़ जा रहा था, चंडीगढ़ जा रहा था, मेरे बड़े भाई सुरेंद्र जी माँ आशीर्वाद लेता चलो। मुख्यमंत्री कह रहे कि ये तो किसान खालिस्तानी है सारे। नहीं, ये देखो मुख्यमंत्री क्या, एक आम व्यक्ति ने भी इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और हम इसके घोर निंदा करते हैं मुख्यमंत्री जी की। एक अन्नदाता को आप ये बोल रहे हो, उनकी मदद की बजाय आप खालिस्तानी बता रहे हो। उन्होंने तो एक बहुत बड़ी बात की, आपने देखा हो 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा से तो कोई किसान आ ही नहीं रहा, आप तो भड़काने की बात कर रहे हो। क्या आप आंदोलन चाहते हो, क्या आप हिंसक चाहते हो? ये बात कहने का कोई तात्पर्य नहीं था मुख्यमंत्री जी का अगर हरियाणा से कोई नहीं आ रहा हो। मैं देखूँ आप अगर जो हरियाणा की सरकार है ये किसान के खिलाफ एक खलनायक का काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में MCL बनते हैं और कांग्रेस के टाइम से वो MCL बंद है, तो क्या इस तरह कोई आवाज उठाओगे आप? देखिए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की अगर आपने बात करी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने किसान को कर्ज मुक्त किया था जो MCL की बात करी हो आप, और तब भी लागू था, आप तो ये बंद कर रहे हैं। उसी टाइम से बंद हो गया, उसके बाद जो MCL नहीं बने और 6 साल ही के निकल गए, उसके बाद 5 साल पहले भी 10-12 साल से ज्यादा इसमें हो गए। तो मैं इसकी पूरी जो सरकारें किसानी के सी बताती हैं, लेकिन किसानों के लिए जो MCL है वो नहीं खोले गए आज तक। देखिए आप दोनों सरकारों की बात करोगे तो आपने भी देखा होगा 10 साल का चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का राज था, एक भी किसान आंदोलन हुआ तो बताओ आप, कोई काम ही नहीं छोड़ रहा अगर किसान आंदोलन हो। आप चाहे गेहूँ के भाव की है, गन्ने की भाव की है, और जो भी सुविधाएं ब्याज मुक्त, पहले 7-8 किले पर ट्रैक्टर मिलता था लोन, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने 1 किले पर लोन ट्रैक्टर दिया किसान, वो तो किसान ही देसी है। ये था कि जो MCL खोलने के बाद है, क्या आप ये आवाज उठाओगे? बिल्कुल उठाऊंगा। सर लॉकडाउन में बिहार की हालत सबने देखी थी, उसके बाद भी वहां पर BJP की सरकार बनना क्या कारण है? देखिए BJP के आपने देखा होगा रिजल्ट, 24-25 विधायक ऐसे हैं जो 400 मार्जिन से कम आ रहे हैं, और वो भी एन मौके पर, वो तो उनकी मंशा क्या थी वो आपने सबने पता है, वहाँ सरकार नहीं बनी। एक वो कुछ भी लगा लो आप, उन्हें ताना सा ला लो, कुछ भी लगाओ, उसमें ये बात थी। विधायक जी आप जो जीते हैं, आपने जो जीत दर्ज की है वो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गई है, खिलाड़ियों को बड़ी आशाएं हैं आपसे, खासतौर से उस बैठ पे जहाँ से आप आते हैं, क्या करना चाहेंगे खेल और खेल खिलाड़ियों को साथ? देखिए भाई जी, मेरा जो गाँव हरियाणा गाँव कबड्डी का है भाई इंडिया में, मेरे गाँव से आप परो में अगर देखोगे ना कबड्डी में 24 लड़के अकेले हरियाणा गाँव से जाते हैं, और जो इस दुनिया का आज सबसे बड़ा स्टार है प्रदीप नरवा, वो भी मेरे गांव से है, मेरी एकेडमी भी है कबड्डी की। अगर आप उस लेवल पर जाओगे तो हम योगेश्वर को कहेंगे हमारे लिए सम्मानित है। अगर राजनीति की बात करेंगे तो मैंने पहले भी बोला था, अगर 10 बजे चित करके उन्हें घर भेज देंगे, और खिलाड़ियों के लिए हर संभव जो भी मैंने आवाज़ उठानी होगी मैं उठाऊँगा, चाहे मैंने मंत्री से मिलना पड़ो, मुख्यमंत्री से मिलना पड़ो, संतरी से मिलना पड़ो, अधिकारी से। अलका बरौदा की खिलाड़ी नहीं, अलका बरौदा की 36 बिरादरी के लिए मैंने जहाँ जाना पड़ेगा ना मैं वहाँ जाऊँगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.